लुधियाना विच लगनी शुरू हुई रूस वालों तैयार की स्पूतनिंग वैक्सीन। स्पूतनिंग वी वैक्सीन लगाने वाला फोर्टिस हस्पताल बनया पहला हस्पताल, एक दिन 40 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि पंजाब लुधियाना में ये इंजेक्शन हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में। स्पूतनिक वी इंजेक्शन जो है ये आज से लगना शुरू हुआ है और ये बहुत मेरी को खुशी होती है बताने में कि जी की काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हमारे को लोगों का। आज हमने जैसे अभी मॉर्निंग ही स्टार्ट किया है और इसके स्लॉट ओपन किए हैं और ऑलरेडी 40 लोग जो हैं आज सुबह से ये इंजेक्शन लगवा चुके हैं हमारे पास और बहुत सारी इंक्वायरीज जो हैं आई हुई हैं हमारे पास। थोड़ा वीकेंड होने की वजह से थोड़ा सा कम है बट हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएंगे। और स्पुतनिक वी जो है वो रशियन मेड वैक्सीन है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी बाकी की दोनों वैक्सीन हैं जो इंडिया मेड हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत सपोर्ट उसमें रहा है इस वैक्सीन को इंडिया में लेके आने के लिए, अप्रूवल देने के लिए। और आज लुधियाना में हमने ये शुरुआत की है तो मेरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीन को लगवाएंगे और अपने आप को कोविड से सुरक्षित करेंगे। सर, ये पहले वाले इंजेक्शनों में और इसके अंतर कितना का अंतर है इसमें दोनों में? देखिए ये जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी ये थोड़ी डिफरेंट वैक्सीन है बाकी जो इंडिया में अभी वैक्सीन लग रही हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन के हिसाब से। ये वैक्सीन दो पार्ट में लगती है, पार्ट ए और पार्ट बी, जो 28 दिन के अंतर पर लगाए जाते हैं। और जहाँ तक कि एफिकेसी का सवाल है उसमें जो स्टडीज़ अभी तक आई हैं उसके हिसाब से इसकी काफ़ी अच्छी एफिकेसी बताई गई है और बाकी जो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि और इसमें कैसे रिसर्च कैसे फर्दर होती है। बट ओवरऑल इसका रिस्पांस जो है इम्यून रिस्पांस बहुत अच्छा है और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे। अभी तक कितने लग चुके हैं सुबह से लेके अभी 3 बज गए हैं? अभी हमने आज अभी तक लगभग 40 लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं और काफ़ी लोग अभी जो है वो वेट कर रहे हैं। ये वैक्सीन जो है वो एक इंडिविजुअल वायल में आती है, बाकी वैक्सीन की तरह नहीं है, इसको एक एक इंजेक्शन अलग अलग आता है तो इसलिए इसको थोड़ा थॉ करना पड़ता है। ये -18 डिग्री में रखी जाती है तो इस वजह से इसको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ लगाना जरूरी होता है तो हम अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस लगा के ये लोगों को लगा रहे हैं। सर, जैसे इंजेक्शन लग रहा है इसका कोई टाइम टेबल है कितने दिनों के बाद में दोबारा लगेगा? बिल्कुल है और जैसे मैंने बताया कि जी ये दो अलग अलग कॉम्पोनेंट हैं। कॉम्पोनेंट ए जो है वो पहले दिन लगता है और उसके 28 दिन के अंदर जो है आपको कॉम्पोनेंट बी लगवाना होता है तो दोनों कंपोनेंट्स को मिला के जो है ये डोज पूरी होती है। जैसे पहले लोगों में दहशत का माहौल था, अभी लगाने के लिए चलो लोग जागरूक हो गए, कब क्या इस इंजेक्शन में कोई खतरे वाली कोई ऐसी बात है? नहीं, ऐसा कोई खतरा मैं समझता हूँ कि नहीं है। ये भी बहुत सेफ वैक्सीन है इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया है और अभी हमने ये शुरुआत की है और आई एम श्योर कीजिए इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। हमें पहले भी हमने देखा है कि रिस्पॉन्स जो लोगों का है वो अच्छा रहा है और हमारी उम्मीद है और मेरी गुजारिश है सब लोगों से ज्यादा लोग जो हैं वो आके वैक्सीन लगवाएं, चाहे कहीं भी हैं अपने आसपास जो भी है वैक्सीन अवेलेबल हो, वैक्सीन ही एक मात्र ऐसा तरीका है कि जिससे हम इस कोविड बीमारी से लड़ सकते हैं।